शायद सबके पास बचपन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होगा, पर मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसा कुछ है। मेरे मम्मी पापा आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, इस वजह से हमारी फैमिली में हमेशा अनबन सी रहती थी। तो इसीलिए मैं अपने भाई के साथ एक बार प्लान बनाया और घर से भाग गया। प्लेटफार्म पे अब हमने देखा कि हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद। रेलवे स्टेशन से बोतल चुन के लाना, फिर उसको लाके उस सेल करना। जो पैसे आते थे उससे हम खाना खाते थे, जो बचता था वो उस पैसे को हम रखते थे। कुछ दिनों बाद एक भैया और एक दीदी वहाँ पे आए। उन्होंने पहले हमें बताया कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे पढ़ाई, आप पढ़ सकते हो, आपको खाने के लिए सब कुछ दिया जाएगा, अपनी जिंदगी लाइफ बना सकते हो। बर्थडे प्राइज में आने से पहले जब मैं घर पे थी तो मैं उस टाइम कबाड़ा बीनती थी और को मेरी जो मम्मी है वो जहाँ पे काम करती थी उनके साथ में हाथ बंटवाती थी। जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, मतलब बहुत सारे गेम जैसे रस्सी वाले, रस्सी कैच, चिड़ी बल्ला, ये सब खेले थे। और पास में बहुत सारी बुक्स लटकी थी रस्सी में, मैं पूरे टाइम खेलती रही। उसके बाद फिर लास्ट में फिर थोड़ी दीदी के पास बैठी, दीदी ने मेरे से पूछा क्या तुम यहाँ पे रोज़ पढ़ने आओगी, तो मैंने बोला हाँ दीदी, लेकिन बस मेरे पास बुक्स वगैरह नहीं है, कॉपी वगैरह नहीं। तो दीदी ने बोला कि यहाँ पे सब है, बस तुम ये बताओ तुम रोज़ पढ़ने आओगी नहीं। फिर मैंने दीदी हाँ पढ़ने आऊँगी। मेरी ज़िंदगी पहली बात है इस मंडी से चली थी। मैं कैसा आपने देखा, उधर बच्चे काम कर रहे थे, लहसुन छाट रहे थे ना, कुछ टाइम मेरी भी ज़िंदगी ऐसी थी। मेरे पापा फेरी का काम करते थे तो उसके अंदर इतने पैसे आते थे। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाने की कोशिश करी लेकिन मैं पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझता था, मैं हर चीज़ है ना मस्ती में ले लेता था। तो उसके बाद में मैंने इधर देखा डीपू के इधर मोबाइल स्कूल खुला है, बस आती है बटरफ्लाई की, फिर मैंने इधर आना स्टार्ट करा। मेरा एक छोटा सा सपना है, ऐसे मैं अपना खुद का एक घर बनाना चाहता हूँ। अगर अभी से नहीं जोड़ूंगा तो झुग्गी टूट जाएंगे, क्या पता फिर गांव में रहना पड़े। जो समय आने वाला है उसको पहले से साथ में लेके चलेंगे तो आगे आसानी होगी करने में। मैं वो दुकान खोलनी थी, दुकान खोलने के लिए मेरे पास 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। बटरफ्लाई संजू में पढ़ता हूँ ना, उन्होंने मेरी मदद की। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और वहाँ पे पढ़ने लगा। वहाँ के जो जैसे कल्चर इवनिंग, डांस प्रोग्राम और भी बहुत कुछ होता है जिसमें मैं जुड़ गया। हमारा एक और प्रोग्राम है जिसे BSCC कहते हैं,
बटरफ्लाई स्कूल ऑफ कलनरी एंड कैटरिंग। तो इसमें हम बच्चों को कुकिंग सिखाते हैं और फिर थ्योरी भी और प्रैक्टिकल तौर पे भी सिखाते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मुझे यहाँ पे जैसे कटिंग, चॉपिंग, हाँ, कुकिंग, मुझे मसालों के नाम नहीं पता थे, यहाँ पे नाम भी पता चले कि हाँ तरह तरह के मसाले होते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ कलनरी के बारे में ही नहीं बल्कि मेरी पढ़ाई, साथ में मेरे जीवन का जो उद्देश्य, ड्रीम, गोल, इसमें अचीव करने के लिए भी मुझे सहायता किया। दो बजे अपना टाइम निकाल के 4:30 बजे तक अपने इधर पढ़ता हूँ। पहले मुझे अक्षर भी ध्यान नहीं थे, हिंदी कैसे पढ़नी है, इंग्लिश में अक्षर कितने होते हैं और कहाँ से कबूतर भी नहीं पता था, अपना नाम कैसे लिखते हैं। हर एक हफ्ते में सोमवार वाले दिन हमारा हेल्थ सेशन होता है और मीटिंग वो चलाता है, देखता बच्चों ने दांत सही से मांजे हैं, इन्हें आज वो नहाया है, इन्हें कपड़े अच्छे पहने गंदे पहने। हमारे ट्यूशन में लाइब्रेरी है, हम उसके अंदर से अपनी एक अच्छी सी बुक देख के एंट्री करवा के उसे पढ़ते हैं, यार दोस्त को भी पढ़ावाते हैं, भाई पढ़े कितने मज़ेदार है। मेरी भी सोच थी कि मैं जब 12-13 साल की हो जाऊंगी तो मेरी भी शादी हो जाएगी, फिर मैं बाहर मतलब ससुराल जाऊंगी, वहाँ पे बतिया घूमूंगी। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं शादी कर लूँ, लड़कियों को बोलते कि बहुत ज़्यादा एज हो गया, लड़का नहीं मिलेगा ये वो। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे वो सोच बदल गया, मुझे ये पता चला कि लड़की की जो सही एज है शादी करने की वो 18 साल के बाद है। तो मतलब मैं अपनी मम्मी को समझाती कि मम्मी अगर मैंने अभी कर लिया तो फिर वही हाल होगा जो कि यहाँ पे लड़कियों का हो रहा है। सीडी की ऐसी चीज़ है जो हम एक पैसे जमा कर सकते हैं कहीं तक, मतलब अपना बैंक का खाता खोल सकते हैं। तो उसमें कैश बुक होती है, वो लेजर बुक होती है, लाइक छोटी सी किताब हमको भी देते हैं, हम उसमें लिखते हैं कि हमारा इतना पैसा जमा हमारे पास होता है। लेजर बुक होती है, उसमें पैसा लिखते हैं और हमें सेंड कराते हैं, तारीख भी डालते हैं कि इस दिन तारीख पर इस दिन जमा करा है। अगर हमको कुछ लेना है तो उसमें से एक निकालने वाली बुक होती है, उसमें से काट के कम कर देते हैं और हमारे पास भी जो बुक होती है छोटी, उनसे क्योंकि हमको ही पता चलता है हमारे पास इतना पैसा है। खुद का सीडी है तो मुझे किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मतलब मैंने अपनी जो लाइफ है, करियर है, वो बनाना स्टार्ट किया। बटरफ्लाई संस्था की इस सबसे अहम खासियत, आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपके दिल में इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे वो कर सकते हो। मैं डांस भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, फुटबॉल भी खेलती हूँ, मतलब जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं एक प्लेयर हूँ। 12th भी क्लियर कर लिया है और अब मैं कॉलेज कर रही हूँ और जॉब भी मेरा बटरफ्लाइज की तरफ से ही लगा है। बाहर निकली तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं, जैसे कि बहुत सारी लड़कियों को देखती कि वो मतलब अनकॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन मैं कहीं पर भी जाते तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जाती हूँ और ये कॉन्फिडेंस मुझे यहीं से मिला। मैं अपने भाई बहनों को फोर्स करती हूँ कि तुम भी आओ बटरफ्लाइज में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है जहाँ पे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। बटरफ्लाई के कितने भी दीदी भैया हैं मेरी, उन्होंने इतनी मदद करी, आप पूछो मत। स्कूल के अंदर ही प्रिंसिपल मेरा नाम लिखने के लिए हाजिर नहीं हो रहा था, मुझे इस लड़के का नाम नहीं लिखना, जो हरकत बहुत करता है। फिर सचिव दीदी ने एप्लीकेशन लिखी, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेती हूँ, ये
कभी शरारत नहीं करेगा और किसी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा समझ के मुझे स्कूल में दाखिला करवाया। तो 2000 में मैंने सीधी के से एडवांस लिया, तो लेने के बाद अपना दुकान भी खोला, उससे सेटिंग वेटिंग की क्या चीज़ की ज़रूरत है वो खोलने के बाद थोड़ा काम धंधा सही चल रहा है। और मेरे को इतनी टेंशन भी नहीं हुई कि किसी और का पैसा देना है, बड़े पिलाई से है, अगर उनसे एडवांस लेते तो कभी भी उनको चुका सकते हैं। दुकान से खोलने से फ़ायदा हुआ मेरे को कि अब मेरा घर ठीक से चल रहा है। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो पता नहीं मुझे, मतलब मैं कुछ होता भी आज की नहीं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहे आज आऊँ या फिर कल या फिर चाहे जितने भी टाइम बाद आऊँ तो मुझे इग्नोर ना करे, क्योंकि मैं हमेशा बनी रहना चाहती हूँ बटरफ्लाइज में। भैया इतने सारे लोग, वो हमारी इतनी मदद करते हैं, मेरे दिल से तो इतनी दुआ निकलती है, ऊपर वाला उन्हें हमेशा खुश रखे, उनकी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना पड़े। आज मेरा खुद का काम है और बटरफ्लाई ने मुझे नई उड़ान दी है और मैं अब हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ। Thank you.